नमस्कार दोस्तों, अमित टेक पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जिन लोगों की वृद्धावस्था पेंशन आ रही है वो देख लें कि उनका जो है जो 2022 और 23 वाली लिस्ट है उसमें नाम है या नाम नहीं है, तो 2022 और 23 वाली लिस्ट में नाम कैसे चढ़ेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने जो है ओल्ड एज पेंशन की ऑफिशियल वेबसाइट sspy.up.gov.in को खोल रखा है और यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देखिए पेंशनर सूची जो है 2022-23 लिखा हुआ है। दोस्तों मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें जो है पेंशनर सूची कैसे देखते हैं उसके बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप जब भी पेंशनर सूची देखते हैं 2022-23 वाली सूची में अगर आपका नाम नहीं है और इसके बाद आप इसमें 21-22 वाले में देखते हैं अगर नाम है, तो दोस्तों इसके लिए आप एक काम कराना पड़ेगा, आप अपनी जो है EKYC करवा लीजिए। जब आप EKYC करवा लेंगे तो आपकी जो 2022-23 वाली लिस्ट है उसमें आपका नाम ऐड हो जाएगा। दोस्तों अगर आप EKYC नहीं करवाएंगे तो आपका 2022-23 वाली लिस्ट में नाम ऐड नहीं होगा और जो है आपकी पेंशन हमेशा के लिए रोक दी जाएगी। तो इसलिए दोस्तों अगर आपके परिवार में कोई वृद्धावस्था पेंशन पाता है या फिर कोई जानने वाला पेंशन पाता है और उसने अभी तक अपनी EKYC नहीं करवाई है तो आप करवा दीजिए, क्योंकि उसकी लास्ट डेट 31 अक्टूबर ही है, इसके बाद सरकार मौका नहीं देगी, आपकी पेंशन रोक दी जाएगी। तो दोस्तों इसीलिए आप EKYC करवा दीजिए, आपका जो है 2022-23 वाली लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वृद्धावस्था पेंशन से संबंधित और कोई जानकारी चाहिए तो हमसे कमेंट करके बताइए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। अगर आज का हमारा वीडियो आपको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर कोई क्वेश्चन है तो हमसे कमेंट करके बताइए, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।